दोस्तों, यह है अंगूर की कटिंग। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा जल्दी अंगूर की कटिंग से कैसे हम अंगूर ले सकते हैं, वो भी गमले में। तो आज की वीडियो में हम अंगूर की कटिंग को लगाना सीखेंगे। कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिससे कि आपके जो कटिंग है वो जल्दी ग्रो होगी, इसके अलावा उस पर फ्रूट भी जल्दी आएंगे। अगर आप भी दोस्तों कटिंग लगाना चाहते हैं अंगूर की, तो ये टाइम बहुत ही अच्छा है, अभी से आप कटिंग लगा सकते हैं। अगर आपके पास कटिंग नहीं है तो आप किसी भी नर्सरी से जाके कटिंग ला सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी कटिंग आप लगा रहे हैं उसमें 1 से 2 या 3 नोड एरिया होना जरूरी है। नोड एरिया उसको बोलते हैं जहाँ पर गांठ होती है, जहाँ पर पत्ते जुड़े होते हैं। तो एक नोड एरिया होता है मिट्टी के अंदर और एक से ज़्यादा नोड एरिया मिट्टी के बाहर होते हैं। जो नोड एरिया मिट्टी के बाहर होते हैं वहाँ से शूटिंग स्टार्ट होती है, मतलब पत्तियाँ ग्रोथ कर पाती हैं। और जो नोड एरिया मिट्टी के अंदर होता है वहाँ से होती है रूटिंग स्टार्ट, यानी कि जड़ें स्टार्ट होती हैं। तो इस तरीके की कटिंग हम काट लेते हैं जिसमें एक से ज़्यादा नोड एरिया हों। तो चलिए कटिंग को काट लेते हैं कुछ इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, इस कटिंग में है 2-3 नोड एरिया। तो एक नोड एरिया हम मिट्टी के अंदर रखेंगे और 2 नोड एरिया मिट्टी के बाहर रखेंगे। तो कटिंग का जो साइज है 3 से 4 इंच का है। आप कटिंग अपने हिसाब से काट सकते हैं, साइज का कोई वो नहीं है, लेकिन उसमें नोड एरिया होना ज़रूरी है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। दोस्तों, अगर आप पहली बार अंगूर की कटिंग लगा रहे हैं तो आपको 3 से 4 कटिंग लगानी होगी। वैसे तो जो तरीका मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आपकी कटिंग 100% सक्सेसफुल होगी, 100% ग्रोथ कर पाएगी। तो चलिए, हमने 3 कटिंग ले ली हैं, अब हम बात कर लेते हैं मिट्टी की। इसके लिए किस तरीके की हमें मिट्टी रेडी करनी है। कोई भी कटिंग, कोई भी पौधा हम लगाते हैं तो सबसे ज़रूरी होती है उसके लिए मिट्टी तैयार करना। दोस्तों, ये जो कटिंग हम लगाने वाले हैं इसके लिए हम मिट्टी तैयार कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। नॉर्मल गार्डन की सॉइल ली है मैंने 40%। इसके अलावा दोस्तों, मैंने लिया हुआ 30% फाइन सैंड, जिसे रिवर सैंड बोलते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, हमने 30% ये वर्मी कंपोस्ट लिया हुआ है। इन सभी को हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद में हम एक पॉट में भर लेते हैं, मतलब 2 पॉट में भर लेते हैं। 3 कटिंग है तो हम 2 पॉट में लगाएंगे। तो जो पॉट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके का है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये 3 इंच का पॉट है, इसके बॉटम में ड्रेनेज होल है एक से ज़्यादा। और ये 4 इंच का पॉट है, इसके बॉटम में भी एक से ज़्यादा ड्रेनेज होल हैं। ड्रेनेज होल कोई सा भी पॉट आप इस्तेमाल करें उसमें ड्रेनेज होल का होना ज़रूरी है, जिससे कि एक्सेस वाटर निकलता रहे। तो चलिए, इस मिट्टी को हम रेडी कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद में पॉट में भरेंगे। दोस्तों, पॉट के बॉटम में कुछ कंकड़ रखने के बाद में मिट्टी भर ली है हमने। तो जैसे कि ये देख पा रहे हैं, हमने मिट्टी रेडी कर ली है। और रेडी करने के बाद में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कटिंग को लगाने के लिए वो दोस्तों है रूटिंग हार्मोन्स। तो हमारे पास रूटिंग हार्मोन्स नहीं है, हम नेचुरल रूटिंग हार्मोन्स यूज करेंगे, जैसे कि आप समझ गए होंगे यह है एलोवेरा। एलोवेरा की लीफ से हम कुछ जूस निकालेंगे, कुछ इसका जेल निकालेंगे, उसके बाद हम अपनी कटिंग पे लगाएंगे। एलोवेरा एक नेचुरल रूटिंग हार्मोन्स का काम करता है और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। दोस्तों, कटिंग पे एलोवेरा का जेल लगाने से पहले दूसरी किसी टहनी से हम मिट्टी के अंदर होल कर लेते हैं। अगर हम डायरेक्टली मिट्टी के अंदर कटिंग को लगाते हैं तो जो कटिंग पे हमारा एलोवेरा का जेल लगा होगा वो सारा छूट जाएगा। तो जो नोड एरिया मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था, जो गांठ वाला एरिया है जो मिट्टी के हम अंदर अंदर रखेंगे, तो उसको अच्छे से हमें जेल को लगा लेना है। उसके बाद में कटिंग को मिट्टी के अंदर लगाएंगे। दोस्तों, कटिंग को मिट्टी में लगाने के बाद में जो कटिंग की साइड की मिट्टी है उसको हल्के से दबा लेना चाहिए। अगर कटिंग ढीली रहेगी तो कटिंग पे रूट्स बनने के चांस बहुत कम होते हैं। और जैसे कि हमने पहले कटिंग पे जेल लगाया, कुछ इस तरीके से ही जेल लगाएंगे। और ये जो एक नोड एरिया है मिट्टी के अंदर रखेंगे और जो 2 नोड एरिया है मिट्टी के बाहर रखेंगे। तो जो नोड एरिया मिट्टी के बाहर होंगे वहाँ से रूटिंग स्टार्ट होगी, मतलब शूटिंग स्टार्ट होगी। और जो मिट्टी के अंदर है वहाँ से शूटिंग स्टार्ट होगी। इस तरीके से हमने दोनों कटिंग को लगा लिया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बाल्टिंग कर लेते हैं। दोस्तों, पहली बाल्टिंग हमें अच्छे से करनी होगी, तब तक करनी होगी जब तक कि ड्रेनेज होल से पानी बाहर ना आ जाए। इस तरीके से अगर हम पानी देते हैं तो हमारी कटिंग पे जो मिट्टी है वो अच्छे से चिपक जाएगी और उसकी रूटिंग स्टार्ट जल्दी होगी। दोस्तों, कटिंग को पानी देने के बाद में हमें इसको ऐसी जगह रखना है 3 से 4 दिन जहाँ पर डायरेक्टली धूप ना आती हो। 3 से 4 दिन के बाद में हम इसको डायरेक्टली सनलाइट में रखेंगे। दोस्तों, कटिंग को पहली बार बाल्टिंग करने के बाद में इस बात का और ख्याल रखना है कि कटिंग की जो मिट्टी है बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। कटिंग की मिट्टी के अंदर हल्की नमी जरूरी है। अगर पूरी तरीके से मिट्टी सूख जाएगी तो आपकी कटिंग फेल हो सकती है। और इसके अलावा दोस्तों, आपको इसमें दूसरी जो बाल्टिंग करनी है इतनी ज़्यादा बाल्टिंग नहीं करनी है जितनी कि पहले आपने बाल्टिंग की है। हल्की नमी बनाए रखें, ज़्यादा ओवर वाटिंग न करें। और दोस्तों, ये है वो कटिंग जो कि मैंने 20 से 25 दिन पहले लगाई थी। तो चलिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पर अंगूर बनना शुरू हो चुके हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये छोटे छोटे अंगूर बनना शुरू हो चुके हैं, मतलब इतनी छोटी हाइट पर अंगूर आना शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आप कटिंग को लगाते हैं तो आपकी कटिंग पर बहुत जल्दी फ्रूट बनना शुरू हो सकते हैं और आप गमले में ही फ्रूट पा सकते हैं, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। चलिए दोस्तों, दूसरी कटिंग को भी देख लेते हैं।
तो दोस्तों इस पर कोई भी अभी अंगूर बनना शुरू नहीं हुआ है, तो हो सकता है उस पर थोड़ा लेट हो। तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं इसकी रूट्स बनी है या नहीं बनी है, किस तरीके से इसकी रूट्स की जो रूटिंग है स्टार्ट हुई है। तो पहले हम घास को हटा देते हैं, उसके बाद में इसकी जो पोट की मिट्टी है उसको पूरी तरीके से बाहर निकाल के इसकी जो रूट्स हैं वो देख लेते हैं किस तरीके से उनकी ग्रोथ चल रही है। तो चलिए दोस्तों पोट को उल्टा करके मिट्टी से कटिंग को बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस पर रूट्स बनना शुरू हो चुकी हैं, बहुत ही अच्छे से इसकी रूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, बहुत अच्छे से ग्रोथ चल रही थी। इसी तरीके से दोस्तों हम दूसरे पॉट को भी उसकी कटिंग को निकाल के देख लेते हैं उसकी रूट्स किस तरीके से बनी हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है इसकी भी रूट्स अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसकी भी रूटिंग अच्छे से स्टार्ट हो चुकी है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आप छोटी हाइट में कटिंग से अंगूर ले सकते हैं इस तरीके से कटिंग को लगा के। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, बाय।